ज्योति। तो मैं हूँ ज्योति और मैं यहाँ पर पोस्ट करती हूँ मेकअप, ब्यूटी, फैशन, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस। तो अगर आज आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। एंड अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया तो थैंक यू सो मच। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टाइलिंग दी ज्योति, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो जो है वो राखी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ रक्षाबंधन आउटफिट। तो ये सारे जो आउटफिट लिए हुए मैंने, ये आप राखी पे आराम से पहन सकते हो, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज पे है। एंड इन सब का जो बाय लिंक होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इनकेस आपको कुछ पसंद आता है, आप लेना चाहते हो, तो आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जो मैंने लिया हुआ है ना, वो मैंने लिया हुआ है एक थ्री पीस सेट, जो कि जिसमें क्रॉप टॉप है एंड ये ना पटियाला है, प्लाजो नहीं है। एंड इसके साथ में जैकेट है, तो वो है ये सूट, जो कि ये है ना थोड़ा टर्कोइश ब्लू कलर में है। एंड ये जो है ब्रांड लिबास से है, तो इसकी फिनिशिंग एंड क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसकी प्राइस जो है आई थिंक 1399, तो ये आपको पूरा 1400 में पड़ जाएगा। आगे यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा आपको स्वीट हार्ट नेक मिल जाएगा, बैक में ये राउंड नेक है। एंड इस पे ना ये सीक्वेंस का वर्क हो रखा है यहाँ पर, तो इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा था पहनने के बाद। इसके अंदर आपको मिल जाएगा ये कॉटन का अस्तर है, कॉटन मिक्स सैंटून होता है ना, ये वो वाला अस्तर है। एंड इसका मटेरियल जो है वो प्योर जॉर्जेट का है, तो मटेरियल की क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। एंड इसके साइड में आपको मिल जाएगा जिप, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, तो इसको आप साइड में जिप ओपन करके पहन सकते हो। एंड इसमें साइज मैंने लिया हुआ है वो मैंने मीडियम लिया हुआ है, तो मुझे इसका ब्लाउज थोड़ा सा लूज है, तो आपको इसे फिट कराना पड़ेगा। इसके साथ में जो पैंट है वो बिल्कुल फिट है, क्योंकि अगर हम इसका एक साइज छोटा करते हैं तो शायद पैंट का साइज छोटा हो जाएगा। तो उस हिसाब से इसका जो लुक है वो मुझे अच्छा लग रहा था, बट अगर आप एक साइज छोटा ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो आगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये इस तरीके से बेल्ट है, बैक में आपको मिल जाएगी इलास्टिक। एंड इसका मटेरियल भी सेम जॉर्जेट का है, ये प्योर जॉर्जेट है। एंड अंदर आपको मिल जाएगा इस तरीके से अस्तर भी लगा हुआ है। एंड इसके साथ में मिल जाएगी आपको पॉकेट, जो कि पता नहीं कहाँ गायब हो गई है, तो यहाँ पर है। तो इस तरीके से आपको दोनों साइड में पॉकेट मिल जाएगी। तो ये ना पटियाला जो शलवार होता है कुछ वैसी कटिंग है इसकी, एंड नीचे के साइड में यहाँ पर इलास्टिक मिल जाएगी। एंड इसके साथ में मिल जाएगी आपको ये जैकेट, जो कि कुछ इस तरीके से है। तो जैकेट जो है ना पूरी प्योर जॉर्जेट की प्लेन है, एंड स्लीव जो है इसकी 3/4 है। एंड इसके साथ में इसका जो लुक होता है ना वो बहुत ही अमेजिंग आता है, तो अगर आप रक्षाबंधन में इसे ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, इसका लुक जो है ना वो बहुत अमेजिंग आने वाला है। नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है एक कुर्ती एंड पैंट का सेट है, इसमें दुपट्टा नहीं है। तो ये है ये कुर्ती, जो कि ये ना शेडेड कलर है, एंड इसका मटेरियल जो है ना वो टाफ्टा सिल्क है, तो ये थोड़ा सा शेडेड होता है। इसमें आपको जैसे धूपछा वाला जो कलर होता है ना, कुछ वैसा कलर है। एंड इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो ये मैंने मीडियम साइज में लिया हुआ है। आगे यहाँ पर बहुत ही प्यारी सी आपको एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी इस तरीके से, एंड इसके यहाँ पर स्लीव्स पे भी सेम एम्ब्रॉयडरी है। एंड बाकी नीचे ये पूरी कुर्ती प्लेन है, एंड ये लॉन्ग कुर्ती है। इसका जो लेंथ है वो मेरे एंकल तक आता है, एंड मेरी जो हाइट है वो 5'2" है, तो आप अपनी हाइट के अकॉर्डिंग से देख सकते हो। अंदर इसके कोई भी अस्तर वगैरह नहीं रखा है, एंड ये थोड़ा सा गर्म करेगा ये कपड़ा जो है। एंड इसके साथ में है ये पैंट, पैंट में आगे इस तरीके से बेल्ट दी है, बैक में इलास्टिक है। एंड यहाँ पर आपको मिल जाएगी पॉकेट, एंड इसके नीचे ये स्ट्रेट फिट पैंट है, नीचे भी आपको यहाँ पर ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी इस तरीके से। तो पैंट जो है वो एंकल लेंथ है, एंड इन दोनों का लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, तो आप इसे विदाउट दुपट्टा या फिर दुपट्टे किसी भी गोल्डन दुपट्टे के साथ में आप इसका स्टाइल कर सकते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट मैंने लिया हुआ है एक प्लाजो साड़ी, जो कि है ब्रांड इंडिया से। इंडिया के जो कपड़े होते हैं ना वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वह थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसमें ये जो साड़ी है ना, इसका प्रिंट जो है
वो इंडिगो प्रिंट है, बट इसका मटेरियल जो है वो जॉर्जेट का है, प्योर जॉर्जेट है। अंदर यहाँ पर सैंटून की लाइनिंग लगी हुई है। साइज मैंने इसमें स्मॉल लिया हुआ है, ये जो साइज है ना ये स्मॉल है एंड ये मुझे बिल्कुल फिट है। साइड में आपको यहाँ पर हुक मिल जाएगा एंड इसमें आपको मिल जाएगी यहाँ पर ये चेन, तो जिससे कि ना इसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है और पहनने में भी दिक्कत नहीं होती है चेन की वजह से। एंड इसके नीचे यहाँ पर इतना ज़्यादा मिल जाएगा आपको फ्लेयर कुछ इस तरीके से। एंड इसमें आपको यहाँ से अटैच्ड मिल जाएगा ये दुपट्टा, तो आप इसे एज अ पल्लू कैरी कर सकते हो। तो इसका लुक जो है ना थोड़ा बहुत साड़ी के जैसा आएगा, बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि इसके साथ ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो इसके साथ जो ब्लाउज फोटो में था ना, वो ब्लाउज मैंने ढूंढा पर वो मुझे मिला नहीं है, उस पर शायद वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक दूसरे ब्लाउज के साथ में इसको ट्राई करने का कोशिश किया, तो वो मैंने लिया ये ब्लाउज। तो ये प्योर कॉटन का ब्लाउज है, लाइनिंग भी इसमें कॉटन की ही लगी हुई है, बट ये इसके साथ में उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना मैंने सोचा था, क्योंकि दोनों का कलर थोड़ा डिफरेंट है एंड प्रिंट भी दोनों एक साथ अच्छे नहीं लग रहे थे ये वाले। एंड उसमें जो प्रिंट थे वो काफ़ी अच्छे थे क्योंकि वो इसकी मैचिंग का था, बट वो आउट ऑफ स्टॉक था। तो ये ब्लाउज जो मैंने लिया हुआ है, ये आप अलग किसी साड़ी वगैरह के साथ में अगर पहनना चाहो तो उसके साथ में ले सकते हो, क्योंकि ब्लाउज की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी प्राइस जो है 400 है, आगे बोट टेक मिलेगा। बैक में भी इस तरीके से बोट नेक है एंड ये पूरे में यहाँ पर ना हुक दे रखा है। अंदर जो इसकी लाइनिंग लगी है वो प्योर कॉटन की है एंड इसका मटेरियल भी प्योर कॉटन है। साइज मैंने इसमें मीडियम लिया हुआ है, तो ये मुझे थोड़ा सा लूज है, इसकी फिटिंग तो थोड़ी बहुत करनी ही पड़ेगी। तो अगर आप इसे एक साथ पहनना चाहते हो तो आप इसको ना किसी ब्लैक ब्लाउज के साथ में पहन लो, या फिर किसी वाइट क्रॉप टॉप के साथ में भी आप इसको पहन सकते हो, उसके साथ में भी अच्छा लगेगा। एंड अगर इसका जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी इसके ब्लाउज की, अगर स्टॉक में होता है तो आप उसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बट जब मैंने देखा था ना तब ये आउट ऑफ स्टॉक था, वरना मुझे इसका जो लुक था ना वो बहुत अच्छा लग रहा था। आप इसे किसी भी सिल्वर ज्वेलरी वगैरह के साथ में स्टाइल करो, काफ़ी अच्छा लगेगा। लास्ट जो है वो मेरा फेवरेट है, क्योंकि मुझे ये शरारा इतना ज़्यादा अच्छा लगा एंड इसकी फिनिशिंग एंड क्वालिटी वगैरह ना बहुत अच्छी है। तो ये मैंने लिया हुआ है इस तरीके से, मजेंटा पिंक कलर है। आगे यहाँ पर इस तरीके से नेक मिल जाएगा, यहाँ पर एक जो पर्ल की गोल्डन मोती वाली लेस होती है कुछ वैसी है। एंड ये ना स्लीवलेस मिल जाएगी, इसके अंदर कोई भी स्लीव्स वगैरह आपको नहीं मिलेगी। बैक में छोटी सी नेक है एंड यहाँ पर ये डोरी और टेसल्स दिए गए हैं इस तरीके से। एंड इसमें पूरे में आपको इस तरीके से वर्क मिल जाएगा एंड ये वर्क ना बिल्कुल भी नहीं चुभता है, बहुत ही फाइन है। एंड इसका मटेरियल जो है वो प्योर जॉर्जेट का है एंड अंदर में आपको मिल जाएगा इस तरीके से, लाइनिंग भी दी हुई है। एंड बैक में इसके ना ये पूरा प्लेन है इस तरीके से। एंड इसका जो साइज मैंने लिया हुआ है वो मैंने मीडियम लिया हुआ है। इसमें आपको दो कलर मिल जाएंगे, एक तो आपको येलो मिल जाएगा, दूसरा ये पिंक। मुझे पिंक वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। एंड इसके साथ है ये एक शरारा, शरारे की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है। तो इस तरीके से यहाँ पर इलास्टिक दे रखी है, अंदर इसके आपको लाइनिंग मिल जाएगी एंड ये भी प्योर कॉटन का है, प्योर जॉर्जेट है इसका मटेरियल। एंड नीचे आपको इतना ज़्यादा फ्लेयर मिल जाएगा ये आप देख। एंड इसका एंड इसकी जो लेंथ है ना वो मुझे प्रॉपर पूरी लेंथ आती है। ये इसकी जो साइज़ है वो है 14 इंच है, तो आपको थोड़ा बहुत अगर छोटा या बड़ा हो रहा है तो आप यहाँ से फोल्ड करवा के इसे छोटा भी करवा सकते हो। इसके साथ में है ये दुपट्टा, ये कुछ इस तरीके से है। तो दुपट्टा जो है ना ये 2.25 मीटर का दुपट्टा है, आप देख पा रहे हो। तो ये ना 2.25 मीटर का दुपट्टा है, बट इसकी जो विर्थ है ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे भी दुपट्टे वगैरह में बहुत ज़्यादा विर्थ होती है तो उसे कैरी करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। दुपट्टा लंबा हो ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा पतला होता है तो चल जाता है, बट दुपट्टा छोटा नहीं चलता है। तो ये दुपट्टा पूरा बड़ा है, ये प्योर जॉर्जेट का दुपट्टा है। नीचे आपको इस तरीके से लेस मिल जाएगी, लेस को ना बहुत अच्छी फिनिशिंग की तरह लगाया गया है एंड सेम लेस यहाँ पर ना इसके सूट में भी लगाई गई है। तो ये आप देख पा रहे हो, इसमें बिल्कुल भी बाहर या अंदर से आपको कहीं से भी लेस का कपड़ा नहीं दिख रहा है, सिर्फ लेस की मोतियाँ दिख रही हैं। तो इस तरीके से फिनिशिंग के साथ में काम किया जाता है ना, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। तो ये सूट की क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप प्रैक्टिकली ऐसा कुछ लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसके साथ में जा सकते हो। इसकी क्वालिटी एंड लुक प्राइस सब कुछ ना ये 100 of 100 है। तो अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हो तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो।
सो गाइस ये थे मेरा आज का वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा एंड मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।